राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हरियाणा में कोविड संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। मंगलवार को प्रदेश में 11,931 मामले सामने आए थे, जो पहली की तुलना में 4 गुना अधिक है, जबकि 84 लोगों की इस दौरान महामारी से जान चली गई। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कोरोना वायरस के हालात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने के काम में हम लगे हुए हैं। सीएम खट्टर ने बताया कि दिल्ली से सटे जिलों का बुरा हाल है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,684 नए मामले सामने आए, वहीं फरीदाबाद में भी 1,330 नए मरीजों का पता चला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण अनुमान से ज्यादा बढ़ रहा है। मानसून में बाढ़ का अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन अगर सुनामी आ जाए तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है। हम ऑक्सीजन के लिए नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं, सरकार पूरी ताकत के साथ काम में लगी हुई है। हमें टैंकरों की जरूरत पड़ रही है, इंडस्ट्री से नाइट्रोजन टैंकर काम में ला रहे हैं और एलपीजी के खाली सिलेंडर को भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे ऑक्सीजन का कोटा 70 मीट्रिक टन बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन कर दिया गया है। हमने एयर लिफ्ट कर 2 टैंकरों को ओडिशा भेजा है और साथ ही हमने 5 कंपनियों को ऑक्सीजन सप्लाई का लाइसेंस दिया है। लगभग 7 अन्य को बुधवार की शाम तक लाइसेंस दिया जाएगा और आपको पता है लाइसेंस दिया भी जा चुका है। परिस्थितियां जैसी हैं, हमको सबको मालूम है कि लगातार निरंतर कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है और केवल बढ़ रहा है, इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। यानी पिछली बार भी पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो दिल्ली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था और फरवरी आते आते लग रहा था कि चीज़ें अब काबू में आ गई हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अभी कल का आंकड़ा 11,931 ये कोविड का यानी जो केसेस हैं पर डे के, तो कल अधिकतम 11,931 लगभग 12,000, जो पहले से 4 गुना ऐसा ही आंकड़ा है। जितनी हमने पहले बना ली थी 3,100 पर डे आने के हिसाब से, उसी हिसाब से उसकी रेशो भी जो मेडिकल व्यवस्थाओं के नाते से, हेल्थ की व्यवस्थाओं के नाते से बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट्स, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओस, जनता को भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ा सफलता की इसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में, अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं और हालांकि डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है, लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है,
अगर हम देशभर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुँचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं इन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए मैं आ गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है, उनका जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण, 3 एकड़ का प्रांगण है उसमें भी, तो दोनों मिलाकर के लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक PGI में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है इसलिए ऑक्सीजन के कारण से ही उसको देरी हो रही है, उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में 150 बेड अभी सप्लाई कर वो चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जुड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को, वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था, प्राइवेट एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के, या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप को ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए, उन सबको भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहाँ से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। तो ऐसा पूरी शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आपको एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएँ ठीक हो रही हैं उसकी, ठीक होते ही सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर नहीं जाएंगी। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, हमें कल से पहले 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था, हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो ये स्टील जो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। एक ट्रेन, 5 टैंकर्स उसमें आज हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं, जो 3 दिन में वहाँ से ऑक्सीजन वापस आएगी। सायंकाल तक 2 टैंकर जो योजना है हवाई एयर लिफ्टिंग के माध्यम से 2 टैंकर वहाँ शाम रात्रि तक पहुँच जाएंगे, वापसी पर वो बाई रोड आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे ये ट्रेन की है चाहे वो बाई एयर जाएंगे तो भी कम से कम 1.5 दिन का समय, 2 दिन का समय उसमें लगेगा। तब तक हमारी जो पिछली सारी कैपेसिटी है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स थे, जो प्रोडक्शन के यूनिट्स थे या फिर रीफिलिंग के भी यूनिट्स थे, जो उस ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरते हैं,
ऐसे कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लगभग 5 तो ऐसे हैं जिनका लाइसेंस हमने दे दिया उनको मेडिकल ऑक्सीजन की। एक विषय मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो 2 दिन पहले जब मैं रोहतक गया था तो रोहतक में जिस प्रकार से मैं बातचीत यहाँ कर रहा हूँ, बहुत खुल करके बात करने का मेरा स्वभाव है, बहुत लाग लपेट करने का, चीज़ों को छुपाने का या भाषा को तोड़ मरोड़ बोलने का मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा। बहुत एक जैसे गांव का आदमी बोलता है, इस तरीके से मैं अपनी बात को स्पष्ट कह देता हूं। उसी संदर्भ में मैंने ये कहा था कि इस समय हमारी चिंता है एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, और उसकी जान बचेगी तभी हमको संतोष होगा। हमारे मानो किसी भी हमारी किसी लाचारी के कारण से, हमारी व्यवस्था की कमी के कारण से अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, एक एक करके आगे कर रहे हैं, और मीडिया के मित्रों ने कुछ इस प्रकार के प्रश्न कर दिए कि आंकड़े नहीं मिल रहे, डाटा नहीं मिल रहा, ये नहीं और वो नहीं हो रहा। तो उसमें से एक वाक्य मेरे मुँह से ज़रूर निकला, और वो कोई मैंने अपनी ओर से बोला ऐसा नहीं है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो चला गया है अब उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो मात्र इतनी बात थी कि हमारे शोर मचाने से कोई वापस आने वाला तो नहीं है। हम तो जो हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, उन जिनकी बीमारी है उनको दूर करने के लिए एक एक व्यक्ति की हमको चिंता करनी है कि उसकी जान बचे। अभी साधारण सी बात को लेकर के और जिस प्रकार का एक बाउंडर खड़ा किया गया, हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, कई चैनल पर भी एक दो जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता, उसको ध्यान करें कि हम क्या। तो अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब हर किसी को 1 मई का इंतजार है, क्योंकि इस दिन से देश भर में सभी नागरिकों को कोरोना का टीका लगाए जाने की शुरुआत हो जाएगी। महामारी के खिलाफ इस जंग में टीकाकरण अभियान की विशेष भूमिका रहेगी। और इसी बीच अच्छी खबर ये है कि रूसी चिकित्सा सहायता के 2 विमान दिल्ली पहुँचने वाले हैं, और रूसी वैक्सीन भी 1 मई से टीकाकरण अभियान में शामिल होगा। सूत्र ये बताते हैं कि 29 अप्रैल को भारत और रूस के दोनों राष्ट्रीय प्रमुखों के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई है, और साथ ही दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए सहमति बनी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक अच्छी बातचीत हुई और हमने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की, और मैंने महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस की मदद और समर्थन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद किया। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि हमने अपने विविध द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की, और विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें हाइड्रोजन इकोनॉमी भी शामिल है। और आपको बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन पर हमारा सहयोग महामारी से लड़ने में मानवता की सहायता करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है। और आपको बता दें कि सूत्र ये बताते हैं कि 28 अप्रैल को भारत और रूस के दोनों राष्ट्रपति प्रमुखों के साथ एक बातचीत हुई, और ये बातचीत काफी गर्मजोशी के साथ हुई है, और साथ ही दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों रणनीति साझेदारी में मजबूत करने के लिए सहमति बनी है। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए हैं राजू तिवारी। राजू तिवारी, दिल्ली से अपडेट लेना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी 1 मई को लेकर कितनी तैयारी की जा रही है? देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर 1 मई का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन यानी कि 1 मई से 18 साल के जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जाएगा। मगर एक और जानकारी दे दें कि जिस तरीके से अब भारत के अंदर 3 वैक्सीन मिलेगी जनता को, क्योंकि एक रूसी वैक्सीन जो है वो भी कहीं ना कहीं वो भी जनता के लिए उपलब्ध की जा रही है, और लगातार रूस के साथ भी बातचीत की गई है। रूस के राष्ट्रपति जो थे उनसे भी बात की गई है, और लगातार कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे को संकेत अच्छे मिले हैं, और यहां तक की जो वैक्सीन है वो भी मिलेगी। और लगातार 1 मई से भारत के अंदर 3 वैक्सीन ऐसी होंगी जो 2 भारतीय हैं, 1 रूसी है, और लगातार जनता को राहत देने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा
कि जिस तरीके से 1 मई के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, यानी कि 28 अप्रैल से, और 28 अप्रैल के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो लगभग 1 करोड़ के करीब हुआ है, और कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि कहीं ना कहीं जनता को भी मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकारों को भी, क्योंकि जिस तरीके से अब पहले भारत के अंदर 2 वैक्सीन थी और अब 3 वैक्सीन हो चुकी हैं, और लगातार 1 मई से प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, और देखना होगा कि 1 मई से कितनी राहत मिल पाती है रूस की वैक्सीन से, क्योंकि जिस तरीके से सफेद तिलों की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी, ये वैक्सीन कारगर बताई जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं जनता को राहत देगी, मगर देखना होगा जो भारतीय वैक्सीन है वो कितनी बड़ी राहत दे पाती है, क्योंकि अभी तक 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए जरूर वैक्सीन दी जा रही थी, और अब देखना होगा 18 साल से जो ऊपर के व्यक्ति है उनको भी अब वैक्सीन मिलेगी, और लगातार इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। आरोग्य सचिव की बात करें या फिर विन को विन की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनपे लगातार लोग बाग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और लगातार कोशिश की जाएगी 1 मई से सरकारों के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध की जाए। देखना होगा कि वैक्सीन 1 मई से किन व्यक्तियों को मिलती है, और कहीं ना कहीं इस वैक्सीन से कोई नुकसान ना हो, और लगातार कोशिश ये की जाए कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। मगर कहीं ना कहीं पिछले आंकड़ों की बात करें, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी लगातार पिछले आंकड़े जो है पिछले 24 घंटों के अंदर वो बढ़े हुए हैं, लगातार 25,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। मगर देखना होगा कि जो वैक्सीन का टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा, अब भारत के अंदर 3 वैक्सीन हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी हर व्यक्ति तक वैक्सीन का टीकाकरण जल्दी से जल्दी मिल सके, और कहीं ना कहीं कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। जी राजू तिवारी, जिस तरीके से बताया जा रहा है रूसी वैक्सीन भी लगाई जाएगी, क्योंकि अब देखना ये होगा कि कितनी कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि अब इस पे विश्वास भी करना देखना होगा, क्योंकि पहले तो जो अगर अपने देश की जनता की बात करें तो अपने देश की जनता पहले ही अपने वैक्सीन को लेकर सवाल निशान खड़े कर रही है, विपक्ष भी लगातार इस पे निशाना साध रहे हैं, और बात जनता की करें तो जनता भी लगातार इस वैक्सीन से डरी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें डर लग रहा है कि इसमें कोई खराबी ना हो, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद कई लोग पॉजिटिव हो गए हैं। क्या लगता है कि डॉक्टरों को क्या कुछ कहना है इस रूसी वैक्सीन को लेकर? देखिए बिल्कुल बताए, जिस तरीके से बात करें भारत की वैक्सीन, तो भारत की वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि वैक्सीन जो है वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, और कहीं ना कहीं कुछ सवाल ऐसे भी थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद में दोबारा से पॉजिटिव ना हो जाए, और वही चीज देखने को भी मिली थी, क्योंकि अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के दिलों में अभी भी डर बना हुआ है। मगर बात करें वैक्सीन की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से वैक्सीन उपलब्ध की जाएगी, मगर जिस तरीके से अब बात करें रूसी वैक्सीन की, तो रूसी वैक्सीन भी अब कहीं ना कहीं भारत के अंदर उपलब्ध होगी, और कहीं ना कहीं लोगों का कह सकते हैं समय था कहीं ना कहीं कि रूसी वैक्सीन आएगी, और कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि रूसी वैक्सीन भारत की वैक्सीन से कहीं ना कहीं ज्यादा कारगर होगी, मगर देखना होगा कि रूसी वैक्सीन कितनी मददगार साबित होती है, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि रूसी वैक्सीन भारत से ज्यादा कारगर है और लगातार कहीं ना कहीं वायरस को मार रही है। मगर जिस तरीके से आप देखना होगा कि वैक्सीन जो 3 उपलब्ध होंगी और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी 1 मई से कि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी लगातार वैक्सीन का टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा, मगर देखना होगा कि भारत के अंदर रूसी वैक्सीन कितनी व्यक्तियों को लगती है और भारतीय वैक्सीन कितने व्यक्तियों को लगती है, मगर कहीं ना कहीं लोगों का जो ध्यान है या फिर कहें रुझान है वो रूसी वैक्सीन की तरफ ज्यादा है। जी राजीव, ये बताया कि रूस की वैक्सीन और जो अपने भारत की जो वैक्सीन है इसमें क्या डिफरेंट है, कुछ ऐसे डॉक्टर ने इस बारे में कुछ जानकारी दी है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट की यानी कि डॉक्टरों की, तो कहीं ना कहीं यही जानकारी मिल पा रही है कि रूसी वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो वायरस है उसको मारने की कारगर है, मगर जो भारतीय वैक्सीन है वो भी कहीं ना कहीं लगभग 60% के करीब वायरस को खत्म करती है, मगर कहीं ना कहीं 100% वायरस को खत्म नहीं करती है, मगर कहीं ना कहीं शरीर को ताकत जरूर देती है जो वायरस से लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो उसको कम करती है, मगर देखना होगा रूसी वैक्सीन कितनी उपलब्धि हासिल करती है, क्योंकि अभी तक ये कहना है डॉक्टर का कि जो रूस की वैक्सीन है और भारत की जो 2 वैक्सीन है उसमें कुछ भी ऐसे डिफरेंट नहीं है, दोनों एक साथ ही एक तरीके से ही ये कारगर साबित होते हैं। लेकिन राजू तिवारी, क्या लगता है रूस की वैक्सीन को लेकर, अब ये कहा जा रहा है कि 1 मई से अब रूस की वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी, हालांकि अब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, क्या लगता है कि पहले अगर चाइना के वैक्सीन को लेकर बात करें तो उसमें भी लगातार अब ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने सप्लाई करवाई थी ये चाइना की जो वैक्सीन थी, लेकिन चाइना की वैक्सीन लगाने के बाद पाकिस्तान के कई लोग पॉजिटिव हो गए थे और उसको घातक भी साबित बताया जा रहा था कि काफी घातक है ये जो चाइना की जो वैक्सीन है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, बात करें चाइना की वैक्सीन, चाइना की वैक्सीन जरूर चाइना के अंदर काफी बड़ी उपलब्धि हासिल करती, मगर वही वैक्सीन अगर पाकिस्तान आई थी और कहीं ना कहीं उसके लगने के बावजूद भी लोग बाग संक्रमण हुए तो और कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल दोबारा से बढ़ा और लोग बाग पॉजिटिव हुए। मगर बात करें जिस तरीके से अब भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जिस तरीके से रूसी वैक्सीन लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें या फिर कहें डॉक्टरों की बात करें तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा फर्क जरूर नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके से रूसी वैक्सीन कुछ भारत की वैक्सीन से थोड़ी सी जैसे कि अब बताई जा रही है यानी कि थोड़ा सा सिम्टम असर ज्यादा बताया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं भारत की वैक्सीन भी कारगर है और लगातार रूस की वैक्सीन भी कारगर है। मगर देखना होगा कि भारत के अंदर 1 मई से जिस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी और लगातार 3 वैक्सीन दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। और देखना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्विटर करके बताया कि उनके रूस के राष्ट्रपति से उनकी बातचीत अच्छी हुई है और यहाँ तक कि और मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, मगर देखना होगा कि रूस की जो वैक्सीन है वो भारत के अंदर कितनी कारगर साबित होती है। जी तो राजीव तिवारी, अभी हाल में भी ये बताया जा रहा था कि रूस की वैक्सीन अब आने वाली है, क्या वो आ गई है, क्योंकि बुधवार को मीटिंग हुई थी। देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें रूसी वैक्सीन की, तो रूसी वैक्सीन लगभग 30 तारीख की शाम तक आ जाएगी और लगातार कोशिश ये की जाएगी 1 तारीख से जनता को मिल सके, मगर अभी तक यही बताया जा रहा है कि वैक्सीन के लिए एयरफोर्स के जो 2 जहाज थे वो भेजे जा चुके हैं और लगातार वो आने वाली है, शायद वो आज कल के अंदर यानी कि 29 या 30 के अंदर बिल्कुल भारत के अंदर आ जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया वो 1 मई से स्टार्ट हो कर दी जाएगी। मगर देखना होगा रूस की वैक्सीन कितनी भारत की वैक्सीन से उपलब्धि हासिल करती है या फिर भारत की वैक्सीन ही कारगर साबित होगी, मगर कहीं ना कहीं जनता को सरकारें राहत देने की कोशिश कर रही है और इसीलिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तीसरा चरण अपनाया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, और लगातार कोशिश की जाएगी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर जिस तरीके से अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण लगेगा तो आप जाहिर है कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। कोरोना के चलते सभी जगह बुरा हाल है, इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने मुंबई के सभी पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है और ये नए फरमान कुछ पुलिस के लिए हित में है तो कुछ पुलिस कर्मियों की परेशानी लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों की संख्या पहले से ही कम है और अब तक बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना महामारी से शहीद हो चुके हैं। इन बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने अहम फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने आदेश जारी किया है कि 50 साल से अधिक आयु के मुंबई पुलिसकर्मी को 12 घंटे काम करने के बाद 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी और जिन पुलिसकर्मी और अधिकारी की उम्र 50 साल से अधिक है और साथ ही साथ ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और जिन्हें शुगर, बीपी, हृदय और अन्य मेडिकल संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए यह आदेश जारी किया गया है। बता दें आपको ये कि पिछले दिनों कोरोना महामारी से मुंबई पुलिस के कई कर्मचारी और अधिकारी की मौत हो गई थी और पिछले साल कोरोना की पहली लहर के समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये फैसला लिया और 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को घर पर रहने का ये आदेश दे दिया है। आदेश ये भी है कि ऐसे पुलिसकर्मी और अधिकारी जिनकी आयु 50 साल से कम है और पुलिस स्टेशन उनके घर से दूर है, उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तरफ से पुलिस स्टेशन के आसपास स्थायी आवास बनाने के लिए भी कहा गया है और यह आदेश कांस्टेबल से लेकर पुलिस सब इंस्पेक्टर तक सभी पर लागू होगा। ड्यूटी के दौरान मास्क, फेस शीट पहनने और कोरोना के नियमों का पालन करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले साल मार्च से मुंबई पुलिस के 8,655 अधिकारी प्रभावित हुए हैं और इनमें से 105 की मौत हो चुकी थी, जबकि 7,951 कोरोना से संक्रमित हुए और पुलिस ने कोरोना को हराया। इसी बीच 7,551 पुलिस ड्यूटी पर लौट आए हैं, लेकिन वर्तमान में 602 पुलिस प्रभावित हुए हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। और आपको बता दें इसी बीच मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत ने मुंबई के सभी पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया फरमान जारी किया है और ये फरमान कुछ पुलिस के लिए हित में है तो कुछ पुलिसकर्मियों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशनों में पुलिसकर्मियों की संख्या पहले से ही कम है और अब तक बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना महामारी से शहीद हो चुके हैं और इन बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने अहम फैसला लिया है, जिनमें उन्होंने आदेश जारी किया है कि 50 साल से अधिक आयु के मुंबई पुलिसकर्मी और 12 घंटे काम करने के बाद 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी।
तो उस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, माहौल बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है महाराष्ट्र में। जो स्थिति है वो आप भी वाकिफ है पूरी तरीके से। अब इसी बीच अब कमिश्नर ने नया फरमान जारी किया है पुलिस कर्मियों के लिए। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में मुंबई पुलिस फ्रंट लाइनर की तरह लगातार लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, चाहे वो चेकिंग से लिया जाए या फिर नाकाबंदी से लिया जाए या फिर लॉकडाउन का पालन करवाने की बात की जाए, लगातार मुंबई पुलिस आम जनता के बीच में रहती है। लिहाजा मुंबई पुलिस के संक्रमण होने की शंका ज्यादा रहती है। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराजन ने पिछले दिनों कहा था कि मुंबई पुलिस को जो अब डबल मास्क और फेस शील्ड लगाकर ही ड्यूटी करना होगा, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए डबल मास्क और लगातार बेहद जरूरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ, अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते होए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चियां नूं बचाउणा है, अपने होर बुजुर्ग ने ओहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी इही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मन्नो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल थोड़े घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दियां अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई।